फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन की। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट होते हैं और मेडिटेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेनिफिट्स, यानी कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन के फायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मेडिटेशन की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि मेडिटेशन होता क्या है और इसके लाभ यानी कि इसके फायदे आपको क्या मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस भागती दौड़ती जिंदगी में मन और शरीर को शांत रखना अक्सर लोग भूल जाते हैं। शरीर भले ही थक जाए, पर अगर मन शांत रहे तो शरीर सदैव स्वस्थ रहता है। शरीर और मन दोनों को शांत और स्वस्थ रखने का सबसे आसान और फायदेमंद तरीका है मेडिटेशन करना। आपका मन जितना शांत रहेगा, काम में उतना अधिक ध्यान लगेगा। इसीलिए हर दिन थोड़े वक्त के लिए ही सही पर मेडिटेशन करना जरूरी है। पर मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है। तो पहले जानते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। देखिए, मेडिटेशन का अर्थ है अपने मन को किसी एक जगह, विचार या फिर कार्य पर केंद्रित करना। हमारा मन एक ही समय में कई तरह की बातें सोचता है, ऐसे में मन की शांति भंग हो जाती है। तो मेडिटेशन करने से हमें आंतरिक रूप से शांति का अनुभव होता है। कुछ वक्त के लिए हमारे सभी तनाव और चिंता दूर हो जाते हैं और इसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब मेडिटेशन करें कैसे, ये जान लेते हैं। तो मेडिटेशन कब और कैसे करें और मेडिटेशन कैसे शुरू करें, ये एक बहुत ही आवश्यक सवाल है जिसका जवाब हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। मेडिटेशन करने का सही वक्त होता है सुबह का वक्त, यानी कि 4 से 5 बजे तक का समय, और शाम में 6 से 7 बजे तक का समय मेडिटेशन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ शांति रहती है और हमारा मन भी शांत रहता है। रही बात मेडिटेशन किया कैसे जाता है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले आपको मेडिटेशन के लिए किसी शांत यानी शांति वाली जगह का प्रबंध करना होगा। मेडिटेशन किसी शांत जगह पर ही सबसे अच्छा हो सकता है, इसीलिए ऐसी जगह का चयन करें जहां पर किसी तरह का शोर ना हो। नंबर 2, सही समय का चुनाव करें। मेडिटेशन करने का वैसे तो कोई नियमित समय नहीं होता, पर अगर भोर और शाम यानी सुबह और शाम को मेडिटेशन किया जाए तो ध्यान सबसे बेहतर होता है, यानी मेडिटेशन सबसे बेहतर होता है। नंबर 3, कुछ देर शांत और सीधा रहने का अभ्यास करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठें। मेडिटेशन करते वक्त आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए ताकि आपको अधिक समय तक बैठने में कोई परेशानी ना हो। नंबर 4, अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें। एक बार आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, फिर धीरे धीरे गहरी सांसें लें, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। नंबर 5, अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करें। इनहेल और एक्सहेल के पैटर्न पर ध्यान दें, मतलब सांस अंदर और बाहर छोड़ने पर आपको ध्यान देना होगा। नंबर 6, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। मेडिटेशन के अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। इसकी विधि पूरी होने के बाद आंखों को आराम से धीरे धीरे खोलें और मन की शांति का अनुभव महसूस करें। बस इसी तरह से आप कुछ मिनटों तक मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मेडिटेशन के फायदे क्या क्या होते हैं। मेडिटेशन डॉक्टर्स द्वारा लगभग सभी पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है, यानी कि डॉक्टर इसे करने की सलाह अपने सभी पेशेंट्स को देते हैं। ये एक ऐसा इलाज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट डिजीज, इंसोम्निया, किसी भी तरह की परेशानी का ये एक बहुत ही असरदायक इलाज है। चलिए एक एक करके मेडिटेशन के कुछ खास फायदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को स्वस्थ रखने में मेडिटेशन काफी फायदेमंद होता है। नंबर 2, मेडिटेशन तनाव कम करने में मदद करता है। नंबर 3, ये गलत लतों यानी गलत आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा से छुटकारा पाने में मदद करता है। नंबर 4, ये आपके कंसंट्रेशन लेवल यानी कि एकाग्रता लेवल को भी बहुत अधिक बढ़ा देता है और आपको काफी हद तक शांत भी बनाता है। नंबर 5, मेडिटेशन करने से अनिद्रा यानी इंसोम्निया की बीमारी में भी काफी राहत मिलती है। नंबर 6, मेडिटेशन करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको मेडिटेशन की काफी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी रियल इन्फॉर्मेशन पर बनी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।